हेलो गाइस, इसमें एसी ऑन नहीं हो रही है। जैसा कि हम स्कैन करने जा रहे हैं, इसकी एसी ऑन नहीं हो रही है। फ्यूज रिले सारे हमने चेक कर लिए हैं और लगे थे। ये एवोरेटर का कोड आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कूलिंग कॉइल वाला जो सेंसर होता है यहाँ पे, ये वाला, इसका कोड दे रहा है। और यहाँ से भी वायरिंग कटी थी, यहाँ से भी कटी है। ये एसी ऑन है पर इसका कंप्रेसर नहीं ऑन हो रहा है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका कंप्रेसर, इसका कंप्रेसर नहीं ऑन हो रहा है। ये कंप्रेसर नहीं ऑन हो रहा है तो हम इसका एवोरेटर सेंसर को चेंज करके देखते हैं। ये सेंसर है, ये इसका सेंसर है, तो हम इसे बाहर से पहले लगा के चेक करेंगे। उसके बाद अगर एसी हमारी ऑन हो जाती है तो हम इसको दूसरा डाल देंगे डैशबोर्ड। ये देखिए, जैसे मैं लगा रहा हूँ बाहर से, ये लग गया है। अब यहाँ पे इस कोड को हम क्लियर करेंगे, जो एवोरेटर का कोड आ रहा है। Not DTC code, कोई कोड नहीं है। दोबारा से स्कैन करो, कोई कोड नहीं है। अब यहाँ से हम एसी को ऑन करो, एसी ऑन हो गई हमारी, कंप्रेसर चल गया। ये कंप्रेसर ऑन हो गया, कूलिंग भी करने लगी। पर इसकी वायरिंग ढेर सारा चूहों ने काटा था, पर उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। इसका एवोरेटर जो सेंसर कूलिंग कॉइल में लगा होता है वो दिक्कत कर रहा है। तो इसके लिए हमने ये बाहर से तो लगा दिया, हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया। पर हम अब इसका डैशबोर्ड खोल के एवोरेटर सेंसर चेंज करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये अब इसके लिए हमको डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा।